नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडु हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 10,484 पदों के ऊपर एक शानदार भर्ती आई है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट चल रहा है उसको मैं एक बार सोल्व कर देता हूं। सबसे बड़ा डाउट यह चल रहा है कि इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आपको ITI रिक्वायर्ड है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यह नॉन टेक्निकल भर्ती है। इसमें दो तरीके से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि कुछ पद ऐसे हैं जिनमें आपका 12th पास होना जरूरी है और कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, चाहे आपने बीटेक करी हो, चाहे आपने BSc करी हो, BCom करी हो, या फिर आप BA पास हो। स्ट्रीम कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखती है। थोड़ा डिटेल से हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी योग्यता के बारे में, परीक्षा पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो को भी जरूर लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स तक भी इसको जरूर शेयर करें। देखिए, एग्जाम नेम आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पोस्ट देखो इसके अंदर कौन कौन सी है। जूनियर क्लर्क, ये जो क्लर्क और टाइपिस्ट की जो वैकेंसीज हैं, क्लर्क और टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है, इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए भाई 10+2, अर्थात 12वीं क्लास पास, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में आगे देखेंगे हम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। चलो कंप्लीटली मैं आपको बताता हूँ, 10,884 है, 884 पद है। टोटल पद है कितने? 10,884। सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहता है, पहले आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है। और इस परीक्षा की सबसे शानदार बात यह है कि इसमें आपके जो CBT 1 का सिलेबस है वही सेम CBT 2 का सिलेबस है। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 के अंदर उनकी नंबरिंग चेंज हो जाती है। मान लो किसी पोर्शन के अंदर यहाँ पे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही यहाँ पे 35 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। वो कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगा, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, नॉन टेक्निकल भर्ती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कंप्लीटली यह भर्ती नॉन टेक्निकल है, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट आपके होना आवश्यक नहीं है। चाहे आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से की हो, आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हो, ये जो ऊपर वाले मैं पद बता रहा हूँ आपको, इनके लिए 12th रिक्वायर्ड है, 12th क्लास। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेंस क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनके लिए टोटल है वही 3,404 पद। उसके बाद जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर। और ये उनके पदों की, टोटल पदों की संख्या है। आगे देखिए, थोड़ा सा हम और देखते हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें CBT 1 के बारे में, CBT 1 में जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। देखिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला एक पोर्शन तो आप ये देखिए, और एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके सामने ये भी है जनरल अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही नंबर के होंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है भाई, कितनी? 1/3। आरआरबी के पेपर में माइनस मार्किंग भी रहती है 1/3। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे हम CBT 2, माइनस मार्किंग कितनी बताई है मैंने? 1/3 माइनस मार्किंग रहती है। अच्छे से ध्यान रखेंगे तो भाई क्वेश्चंस आप कम से कम गलत करेंगे। कम से कम गलत करेंगे मतलब मेरा ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस गलत भी करेंगे, गलत नहीं करेंगे। बाई चांस हो भी जाता है, अगर किसी बाई मिस्टेक गलत क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं कि आप तुक्के ही मारे जा रहे हो, तुक्के ही मारे जा रहे हो, क्योंकि भाई इसमें माइनस मार्किंग है। देखिए, इसमें भी वही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK GS। क्वेश्चंस की संख्या चेंज हो गई, 35, 35 और 50। 35 मार्क्स, 35 मार्क्स और 50 मार्क्स, 90 मिनट का समय और 120 मार्क्स। मतलब CBT 2 जो है 120 नंबर का होगा, 120 मार्क्स। और वहीं CBT 1 अगर हम देखें 120 मार्क्स और क्वेश्चन कितने होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे। CBT 1 एक बार फिर से हम अगर देखें तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, टाइम मिलेगा अपने को 90 मिनट। और CBT 2 के अंदर समय कितना मिल रहा है अपने को? वही 90 मिनट का हमें समय मिलेगा। अब देखिए, मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है आपके लिए, और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं दोनों, इन सब्जेक्ट्स की कहीं ना कोई लिमिटेशन जरूर होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन सब्जेक्ट्स की लिमिटेशंस होती है, बट जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान तो सामान्य ज्ञान ही होता है, इसका कोई अंत नहीं है। बट हमारे लिए जरूरी है कि हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को इतना शानदार तरीके से तैयार करें, इतना शानदार तरीके से तैयार करें कि और बहुत सारे बच्चों से तो हम मैथ्स और रीजनिंग की वजह से ही आगे निकल जाएं। फिर अगर बात आती है जीके जीएस की, तो जीके जीएस के अंदर आपका एक तो जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है, जीएस वाला जो पोर्शन है, इसको आप अच्छे से मजबूत करें। मैं बताता हूं आपको कंप्लीटली, देखो कैसे करनी है आपको चीजें तैयार। फिर जनरल नॉलेज का जो पोर्शन बचता है, उसमें आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं, स्टैटिक जीके भी आता है, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी है, इको है, हिस्ट्री है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इनको तैयार किस तरह से करना है, ये मैं आपको कंप्लीटली एक नया स्ट्रेटेजिकल वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारी रणनीति मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी खुशखबरी है, वो ये है कि टॉप फैकल्टी के द्वारा जिन्होंने पिछली आरआरबी की जो भर्ती हुई थी, सैकड़ों विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी इन्होंने दिलाई है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट के महारथी हैं। सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं विदुरी सर के बारे में, विदुरी सर आपको साइंस का पोर्शन पढ़ाएंगे और इतना शानदार पढ़ाएंगे, आप क्लास में बैठे हो आपको बैठे बैठे याद हो जाएगा, आपको कहीं जरूरत नहीं है चीजों को रिवाइज करने की। बस विदुरी सर की वो क्लास एक बार एग्जाम से पहले फिर से लेके देख लेना, मजा आ जाएगा, सारी चीजें आपको क्लास के अंदर ही याद। लगभग भी इनको 25 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है साइंस सब्जेक्ट को लेके, आरआरबी में एसएससी में बहुत सिलेक्शन दिए हैं। इसके बाद में अगर हम बातचीत करें श्याम सर के बारे में, ये आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन पढ़ाएंगे, ये हैं श्याम सर, मैथमेटिक्स का आपको पोर्शन पढ़ाएंगे, 18 वर्ष का इनको अनुभव है रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर, बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अगर आपको जीरो से मैथ्स आती है, जीरो भी आपको नहीं आता है ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, श्याम सर आपको सिखाएंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको सिखाएंगे, एक सवाल आपका आरआरबी के अंदर गलत नहीं होगा। फिर अगर हम बातचीत करें पीसी यादव सर, ज्योग्राफी एक्सपर्ट हैं, ज्योग्राफी का तो आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा कि आप भी पहाड़ों में ही घूम रहे हैं, भारत में कभी हिमालय में घूम रहे हैं, कभी नीलगिरी पहाड़ियों में घूम रहे हैं, सारी की सारी चीजें एक एक नदी में आपको घुमाएंगे। पीसी यादव सर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा दी, इनके पढ़ाई वैसे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है कभी भी। और ये मैं, मुझे आप जानते हो, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आपका, थोड़ा सा स्टैटिक वाला पोर्शन जो वो आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद में है विकास सर, रीजनिंग एक्सपर्ट विकास सर हैं, 15 वर्ष का इनको अनुभव है रीजनिंग का, एसएससी के अंदर, बैंक के अंदर और आरआरबी के अंदर, सैकड़ों सिलेक्शन इन्होंने दिए हैं। इनके विद्यार्थी आज भी इनसे आके मिलते रहते हैं, वो कहीं भी जॉब कर रहे हो तो भी इनको फोन करते रहते हैं, बच्चों के प्यारे राज दुलारे। तो आइए बच्चों, 1 अगस्त प्रातः 10 बजे से, ये तारीख ना भूलिएगा, 1 अगस्त प्रातः 10 बजे से हमारा आरआरबी एनटीपीसी का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल भी लेट ना करें, जल्दी से जल्दी बैच में स्वयं को एनरोल कर लें, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे कॉल करें और इस बैच के अंदर आप अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवाएं। आना ना भूलें 1 अगस्त और सुबह 10 बजे, 1 अगस्त सुबह 10 बजे जरूर आएं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।